हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। ये नाइन्थ का फर्स्ट वीडियो स्टार्टिंग से, आप नाइन्थ वाले स्टूडेंट इसको ज़रूर देखें। चैप्टर वन, सबसे पहले रेशनल नंबर, व्हाट ए डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। द नंबर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, सो देयरफॉर कॉल्ड द रेशनल नंबर। पी एंड क्यू आर इंटीजर मीन्स पी इज इक्वल टू, लेट वन कर लीजिए, क्यू इज इक्वल टू टू, तो आपका रेशनल नंबर वन अपॉन टू। आप पी और क्यू की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, पी इज इक्वल टू टू, क्यू इज इक्वल टू थ्री, तो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा टू अपॉन थ्री, फोर अपॉन फाइव, सिक्स अपॉन थ्री, यानी कुछ भी आप दे सकते हैं। कुल मिला के वन से लेकर के और जितने भी काउंट कर सकते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि द नंबर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, सो देयरफॉर कॉल्ड द रेशनल नंबर। एग्जांपल वन अपॉन टू, टू अपॉन थ्री, फोर अपॉन फाइव। अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज जीरो अ रेशनल नंबर जस्टिफाई, आपको बताना है कि जीरो क्या रेशनल नंबर है। तो आंसर में लिखेंगे यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू इज इक्वल टू इंटीजर। क्यू इज इक्वल टू इंटीजर मीन्स क्यू इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव ले सकते हैं, तो आपका जीरो रेशनल नंबर की फॉर्म में होगा। और क्या लिख सकते हैं इसको, जीरो अपॉन वन, इंटीजर मीन्स वन, जीरो अपॉन टू, जीरो अपॉन थ्री, डॉट 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 डॉट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इसमें इतने आपको बताना है क्या जीरो इज ए रेशनल नंबर, जीरो रेशनल नंबर है, इसको जस्टिफाई कीजिए। तो यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर बिकॉज जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी जीरो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख के ही बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन थ्री अपॉन एट एंड टू अपॉन फाइव, यानी थ्री अपॉन एट और टू अपॉन फाइव के बीच में रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। तो द रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन एक्स एंड वाई, लेट यानी इस जो पहले नंबर लिखा है उसको एक्स लेट कर लेंगे और जो सेकंड नंबर है इसको वाई, लेट एक्स इक्वल टू थ्री अपॉन एट एंड वाई इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव। तो देखिए रेशनल नंबर दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू थ्री अपॉन एट लेट कर लिए, वाई इक्वल टू अपॉन फाइव, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, वन अपॉन टू एक्स प्लस वाई, यानी वन अपॉन टू, आप पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स के स्थान पर थ्री अपॉन एट प्लस वाई के स्थान पर टू अपॉन फाइव, थ्री अपॉन एट प्लस टू अपॉन वाई, टू अपॉन फाइव, ये आपका फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को स्टूडेंट एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई किया जाता है। तो एट एंड फाइव का एलसीएम आपका फोर्टी हो जाएगा। अब एट का डिवाइड फोर्टी में, एट फाइव जा फोर्टी, फाइव बार फाइव का थ्री में मल्टीप्लाई, तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन। अब फाइव का डिवाइड फोर्टी में, फाइव एट जा फोर्टी, एट आया क्वेश्चन, एट का टू में मल्टीप्लीकेशन, एट टू जा सिक्सटीन, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर वन अपॉन टू। देखिए 15 और 16 ये आपका 31,
और 2 और 40 ये नीचे लिखा है, इसका मतलब 2 और 40 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 और 40 का मल्टीप्लाई 80, ये आपका आंसर हो गया, यही करना था इसमें। तो फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर है 31/80। अब इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, सेकंड है आपका 1.3 एंड 1.4, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो वही मेथड है जो फर्स्ट नंबर लिखा उसको लेट कर लेंगे एक्स और सेकंड नंबर को वाई। लेट एक्स इक्वल टू 1.3 एंड वाई इज इक्वल टू 1.4, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रेशनल नंबर 1/2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। अब एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2, यहाँ एक्स लिखा है 1.3 और प्लस वाई के स्थान पर 1.4, 1.3 एंड 1.4 का ऐड कर दीजिए। तो देखिए ऐड करने के लिए इसको कैसे लिखते हैं, 1.3 एंड 1.4, 4 और 3 आपका 7.112, ये आपका 2.7 हो गया, 2.7/2। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 नंबर है, अगर 2 नंबर होते तो 20 आ जाते, तो 1 ही नंबर है तो 10 आएगा। तो कुल मिला के 27/20, दैट इज योर आंसर। अब इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है आपका -1 एंड 1/2, -1 एंड 1/2 के बीच में रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। तो लेट वही मेथड है, लेट एक्स इक्वल टू -1 एंड वाई इज इक्वल टू 1/2। अब अप्लाई द फॉर्मूला 1/2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, 1/2। अब देखिए x के स्थान पर -1 पुट करेंगे और y के स्थान पर 1/2, यहाँ इस -1 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 ले सकते हैं, किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता है तो 1 ही माना जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करते हैं, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 का डिवाइड 2 में 2 बार और 2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, 2 का डिवाइड 2 में करेंगे तो 1 बार और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और ब्रैकेट के बाहर 1/2। अब देखिए माइनस का 2 प्लस का 1, -2 + 1 है तो माइनस का 1 बचा, क्योंकि माइनस का नंबर ग्रेटर देन है और प्लस का नंबर स्मॉल है, तो माइनस का साइन आएगा और 2 2 जा 4, ये आपका -1/4, ये आपका आंसर हो गया। तो रेशनल नंबर माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको सॉल्व किए हुए मिलेंगे। मुझे विश्वास है आपको वीडियो मेरा जरूर पसंद आएगा। थैंक यू।